नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जगाधरी की पंजाबी धर्मशाला में आज आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने मुख्यमंत्री सदबुद्धि कांवड़ यात्रा के बहाने से हरियाणा में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नशा और पेंशन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा है। कांवड़ यात्रा के बहाने उन्होंने हरियाणा में फैली अराजकता पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ इनको सद्बुद्धि दे ताकि वे पवित्र गंगा जल में स्नान करें और हरियाणा का भला हो सके। आज हरियाणा में नशा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नशे का माहौल इस कदर बना हुआ है कि आम आदमी का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। नशा अपनी चरम सीमा पर है, उसको रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल है। बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में सरकार असफल रही है। आज 30,000 से ज्यादा बुजुर्ग, विधवा, विकलांग लोग जिन्हें सरकार पेंशन देने में नाकाम साबित हो रही है और आज पेंशन धारकों को पेंशन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री के गृह जिला यमुनानगर में ही शिक्षा विभाग में 40,000 के करीब पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन पर भर्ती के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने अध्यापकों की भर्ती नहीं की है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। 30 से 35,000 पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अब जो टेक्निकल गलती जिन्होंने एंट्री की है उनकी है, तो उसमें लोगों की क्या गलती है? हजारों लोग धक्के खा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, इतनी गर्मी में सड़क वो खराब, लाइट आती नहीं, बिजली पानी की नारी समस्या, और हजारों बुजुर्गों उनकी बद्दुआ लगेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ इन समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो करें, और भाई गंगा जल है उनको हम गंगा जल पहुँचवा देंगे, उसमें नहा लें ताकि कुछ जनता की सेवा। अपनी कांवड़ यात्रा कहाँ कहाँ से गुजरेगी? हमारी कांवड़ यात्रा अर्की पैड़ी से उठाई, यमुनानगर से लेके अभी पंचकूला की तरफ से अम्बाड़ा होते हुए कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत से होते हुए प्रावर जो परशुराम मंदिर बनेगा उसके लिए ये कांवड़ यात्रा है। वहाँ पे जल चढ़ेगा, भगवान परशुराम का मंदिर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल उस जमीन पे बनेंगे जिसका सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया। कितने साथी हैं आपने कांवड़ यात्रा में? अब हम अलग अलग जगह पे अलग अलग साथी जुड़ते जाएंगे, कहीं 50 हो जाएंगे, कहीं 100 हो जाएंगे, अलग अलग जगह से अलग अलग साथी उसमें जुड़ते जाएंगे। वो मतलब रफ्तनी चलती जा रही है, तो वो हमारी जो टीम है वो लेके उसको। तो 26 तारीख को जैसे ही आप प्रावर पहुंचोगे तो वहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो नहीं है वहाँ पे, मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे तो भगवान परशुराम का परसा स्थापित किया जाएगा और भोलेनाथ का त्रिशूल वहाँ पे स्थापित होंगे। उस दिन भगवान शिव शंकर का जो महाशिवरात्रि का जो व्रत है उस दिन वहाँ भगवान परशुराम मंदिर की शुरुआत होगी, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने भगवान परशुराम को परसा दिया। जैसे जमीन अभी आपने नोटिफिकेशन तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ जिला में आपका कार्यक्रम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा, तो हमने हमारी जमीन है तो इसलिए हमने कहा, हमारी जमीन है हमने कहा है। अब जैसे जमीन का एक मामला और मैं आपको बताता हूँ, अब जिस तरह से सरकार ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमीन छुड़वाने के लिए लोगों से अलग अलग जगह, पूरे हरियाणा की बात बता रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह रखा है कि एसवाईएल का पानी लेके आऊँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रही है? लोगों ने जिन्होंने बसा लिया, जिन्होंने पहले गलतियां कर दिया, अब उनका हर्जाना वो थोड़ी बढ़ेगा। तो सरकार ये इस तरह की जो पॉलिसी ले जाती है वो वापस। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।